ओके सो व्हाई हेल्थ के नाम पे फ्रूट जूसेस पीना इज अ स्कैम। बेसिकली दिन 41 और आ चुके हैं बाहर एब्स। मेजरमेंट्स और वेट मैं क्या ही दिखाऊं, बॉडी कंडीशन ही आपको बता सकती है कि चेंजेस क्या है। अगर आपको कंपेयर करना है जाके पहले दूसरे तीसरे दिन में मैंने अपना बॉडी कंडीशन डाला था, देखिए और कंपेयर कीजिए। आज के वीडियो में मैं सबके पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, फ्रूट जूसेस इज़ अ स्कैम। कैसे, आइए देखते हैं हमारे आज के वीडियो में। जो लोग हमारे वीडियो रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं ये है मेरे पापा। इनका भी 41st डे है, सबका 41st डे है 75 हार्ट चैलेंज का। पहले दिन सबने इनको मेरे बाद दूसरे नंबर पे रखा था, इन्होंने खुद भी अपने आप को दूसरे नंबर पे रखा था। प्रॉब्लम झेल रहे थे एल्कोहलिज्म की, जिस पे उन्होंने कंट्रोल ला लिया है वो सबसे बड़ा कंट्रोल है। लेकिन ये रेगुलरली वर्कआउट करना अब इनकी हैबिट हो चुकी है, एंजॉय करने लगे हैं वर्कआउट को। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब कुछ मुश्किल नहीं होती और इसी को कहते हैं प्रोग्रेस। जब आपको मुश्किलें ना होने लगे करने में, एक रेगुलर लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए, बस 20-25 मिनट 30 मिनट अपने आप को दो, एक्सरसाइज करो और ख़त्म करो। पांव टूटा है लेकिन हिम्मत नहीं, और मुझे लगता है कि इस बार ये जो उठेंगे, मतलब बोलते हैं ना भगवान नीचे गिराता है पर हम कितनी ताकत से ऊपर उठते हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब मेरे पापा पहले से भी स्ट्रॉन्गर उठने वाले हैं। कल मेजरमेंट्स में समझ में आ जाएगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन अगर मेजरमेंट्स में नहीं भी समझ में आता तो आप विजुअली देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। अगले आते हैं हमारे जीजू सुरजीत सिंह ठाकुर। ये भी अपने थोड़े बहुत स्ट्रगल्स फेस करते हुए 75 हार्ड में रेगुलरली आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनको प्रॉब्लम था कि ये वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाते थे, इसके पहले एक स्केड्यूल्ड वर्कआउट नहीं कर पाते थे। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन ऑल्सो इन्होंने भी अपने डिसिप्लिन में रेगुलर वर्कआउट इंक्लूड करके मार्वेलस चेंजेस लाए हैं अपने लाइफ में। स्कूल में टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, बट बहुत बार समय नहीं मिल पाता है। बट अब समझ में आ गया होगा कि समय सबको मिलता है, बस आपको अपने स्केड्यूल में उसको डालने की देर है और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की देर है। और इन्होंने वैसा ही किया, मैचेस चल रहे हैं, इनकी टीम आज सेमीफाइनल में पहुंची हुई है, और नागपुर प्रीमियर लीग ऑफ बॉक्स क्रिकेट चल रहा है, इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। सब लोग इनको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे ताकि आज ये फाइनल की ट्रॉफी उठाए और मजे करे। ये है मेरी मम्मी। इनकी एक चीज गायब दिख रही है, नोटिस तो करो। अरे इनका पेट गायब दिख रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। इसको बोलते हैं उम्मीद से दुगना। किसी को भी मम्मी से उम्मीद नहीं थी कि वो करेंगी, और आज एक एक हाथ में 6-6 किलो का डंबल उठाकर हैमर कर्ल्स मार रही है। साथ ही साथ योगा उनके लाइफ में आ गया है, ये तो मैंने 75 हार्ड में डाला भी नहीं था मम्मी के। प्राणायाम और वेट ट्रेनिंग रखा था, लेकिन मम्मी रेगुलर योगा कर रही है, और ये मेरे पापा का कमाल है। बट हैट्स ऑफ टू द प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस। अब आते हैं अगली मेंबर कंटेस्टेंट। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ, ये है मेरी सिस्टर, मेरी जीजू की धर्म पत्नी, मेरी बहन चैताली तिवारी। मोस्ट डिफिकल्ट वन टू हैंडल, जी हाँ, उसको ये सुन के गुस्सा भी आएगा, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट वन टू हैंडल इसीलिए बिकॉज इनका गलती नहीं है, इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो हेक्टिक बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ काम होते हैं, इस वजह से भी शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन इनको कंटिन्यू बताते रहना पड़ता है, समझाते रहना पड़ता है, नए नए ऑप्शंस देने पड़ते हैं ताकि ये टिके रहे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये टिकी हुई है, समय आने पर बहुत ज़्यादा थक जाती है, समय आने पर गिव अप तो नहीं बोलूँगा बट वो इरिटेबिलिटी पे पहुँच जाती है। पर फिर भी अब कंटिन्यू करते करते ये भी लाइफस्टाइल में आ चुका है इनके, और रेगुलरली एवरी डे कर रही है। इनके भी फिजिकैलिटी से ही आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट डे पर का वीडियो जाके देखें और कंपेयर करें। पता नहीं मम्मी का वीडियो बीच में कैसे आ गया, बट मम्मी का आज शायद पेट कम लग रहा है ना, इसलिए विजिबिलिटी ज़्यादा मिल गई है।
तो ये थे चार, मैं हूँ पांचवा। मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ, लेकिन आपके बारे में बात करूँ कि जो लोग पहले दिन से ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आप में से कुछ लोग मोटिवेटेड ज़रूर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो अभी भी 34 डेज बाकी है, आप देखते रहिए और मोटिवेट आप हों ये मैं चाहता हूँ। और आपके क्वेश्चंस आप पूछो ताकि मैं उसको सॉल्व करने के लिए वीडियो में आंसर करूँ और वीडियो भी इंटरेस्टिंग बने। तो वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे टाइम नहीं मिल पाता सोचने का, तो क्वेश्चन से कम मैं आंसर्स दे पाऊँगा और डायरेक्टली कनेक्ट कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो ये है आखिरी मेंबर पार्थ तिवारी, जो कि हूँ मैं। मैं सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बट इस बार 41 डेज हो चुके हैं 75 हार्ड के, और मैं इस बीच में कंटिन्यूसली ट्रैवल भी करता रहा यहाँ से वहाँ, अब गोवा में हूँ, लेकिन फिर भी मैनेज हो गया क्योंकि चैलेंज था, इसलिए मुझे भी फ़ायदा हुआ है पर्सनली इस चैलेंज से। मैंने नए तरीके सीखे हैं, हर बार हर इंसान सीख रहा होता है, मैंने भी सीखे हैं, और विजुअली चेंजेस आप देख सकते हैं, जाके पहले वीडियो के साथ कंपेयर कर लीजिए। मेरी फैमिली फिट हो जाए, मेरा क्या है, मैं होता रहता हूँ अनफिट और फिट भी हो जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि जूसेस आर स्कैम। ओके, सॉरी आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन द कार। ओके, सो व्हाई हेल्थ के नाम पे फ्रूट जूसेस पीना इज अ स्कैम। बेसिकली फ्रूट्स में अपनी खुद की नेचुरल शुगर्स होती है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, फ्रूट्स में अपनी खुद की नेचुरल शुगर्स होती है, मौसम्बी हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, हम इन फ्रूट्स के जूसेस निकालते हैं और फिर हम उसको एक ग्लास में निकालते हैं, 5-6 मौसम्बी का जूस निकालेंगे एक ग्लास में और फिर उसको पी लेंगे। बेसिकली हमने क्या किया, मौसम्बी फ्लेवर का शक्कर का पानी पिया है, मौसम्बी में से जूस निकाला और उसको पी लिया, और उसके न्यूट्रिएंट्स मेन फाइबर जो एक फ्रूट आपको प्रोवाइड करेगा वो हमने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सो शक्कर का पानी पीना है तो आप फ्रूट जूसेस पियो। अगर आपको हेल्थ वाइज देखकर खाना है तो फ्रूट्स खाओ, 1-2 फ्रूट्स अ डे, कोई भी फ्रूट आप चूज कर लो, डोंट ओवर ईट बनाना, डोंट ओवर ईट ग्रेप्स जो शुगर लोडेड फ्रूट्स होते हैं, डोंट ईट राइप मैंगोज 3-4, मतलब 1 या 2 आप खाएं, क्वांटिफाई करें। पर आप जब जूस पीते हैं तो आप 6-6, 7-7 मौसम्बी का जूस पी जाते हैं, ऐसे बैठ के आप 7 मौसम्बी कब खाते हैं? खाना है तो 2 बढ़िया मौसम्बी खाओ, फाइबर्स भी मिलेगा उसके साथ साथ में, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है विटामिन्स और मिनरल्स वो भी ज़्यादा मिलेंगे, और शक्कर का पानी पीकर बेसिकली आप अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी नहीं बढ़ाएंगे, ताकि वो फिर शुगर शूट हो ब्लड स्ट्रीम्स में, फिर डाउन हो तो आप क्रेव करो खाना, तो ये भी एक कारण होता है कि हमको फिर और भूख लगती है और हम गलत सलत उसके बाद खाते हैं। तो फ्रूट जूसेस की जगह होल फ्रूट्स खाएं और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बाय बाय। डे 41 एंड्स हियर।